माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के निधन का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीते गुरुवार रात मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। हालांकि परिवार आरोप लगा रहा है कि जेल में मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्तार अंसारी के निधन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर की है। आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामायिक निधन बेहद दुखद है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति है। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सी उत्तर प्रदेश से उनके निधन से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया है। ये आरोप मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के निधन से जुड़ा मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है और मामले में अब योगी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या वाकई में इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।